जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं दाज टीवी। मुसलमानों के सख्त एहतजाज को देखकर पुलिस ने राजा सिंह को दोबारा हिरासत में लिया है। तेलंगाना के बीजेपी रत्न असम्बली राजा सिंह को पुलिस ने दोबारा हिरासत में ले लिया है। राजा सिंह की जानिब से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज तबसरे पर मुसलमानों ने बरहमी का इजहार करते हुए शहर कमिश्नर पुलिस ऑफिस समेत शहर के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरीन ने राजा सिंह की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए नाराज़गी का इजहार किया, जिसके बाद पुलिस ने राजा सिंह को हिरासत में दोबारा ले लिया। आपको बता दूं कि इससे पहले राजा सिंह को मंगल को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुतनाज़ा तबसरे के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था, लेकिन शाम तक अदालत ने उसे बरी कर दिया, यानी उसे बेल पर रिहाई मिल गई थी। बता दूं कि मंगल के दिन राजा सिंह ने, जो कि खबीस मलून है, उसने पैगंबर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखी की, और ऐसी गुस्ताखी की जिसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। इसको देखते हुए मुसलमानों ने सख्त एहतजाज किया और शहर के कई हिस्सों पर मुसलमानों ने एहतजाज दर्ज कराया और उसके खिलाफ नारे लगाए। नारों में जो सबसे बड़ा नारा था वो ये था, गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, कानून से मिले फांसी की सज़ा। इसको देखते हुए पुलिस ने एक्शन भी लिया, लेकिन कल रात पुलिस की तरफ से कुछ गड़बड़ी होने की वजह से लोग पुलिस से भी नाराज़ हैं, क्योंकि पुलिस ने शक में आकर कई लोगों के घरों में घुसकर वहां से नौजवानों को उठाया, लेकिन जब पुलिस का शक दूर हुआ तो उन नौजवानों को रिहाई भी मिली। हुआ यूं कि चंद लोग जो बाहर से आए हुए थे वो मुसलमानों में घुस गए और पुलिस पर पथराव किया और पुलिस के साथ मिल गए और मुसलमानों ने पथराव किया। ये देखते हुए मुसलमान समझे कि पुलिस पथराव कर रही है, और वहाँ से पुलिस समझी कि मुसलमान नौजवान जो कि धरने पर बैठे हुए वो पथराव कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों ने तीन नौजवानों को पकड़ा जो उनके लोग नहीं थे और बाहर से कहीं से आए हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि वो कहाँ से आए हैं तो कहा कि हम बाहर से आए हैं, और पूछा गया कि क्यों आए हैं तो कहा कि चार मीनार देखने के लिए आए हैं। इन बेवकूफ़ों को ये भी पता नहीं कि चांद मीनार देखना हो तो लोग सुबह आते हैं, लेकिन ये देर रात गए धरने के पास चांद मीनार देखने आए थे। इनका झूठ पकड़ा गया और पुलिस ने इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस और मुसलमानों के दरमियान जो शकूक और शुबहात थे वो दूर हो चुके हैं। अब मुसलमान पुलिस के साथ मिलकर इसको सज़ा देने में लगी हुई है, और मुसलमानों से भी गुजारिश है कि जोश में आकर कुछ ऐसे फैसले ना करें जिसकी वजह से कौम की बदनामी हो और आप लोगों को खुद नुकसान हो। बड़ों की बात सुने, लीडरों के मातहत रहते हुए पुरअमन एहतजाज करें और एहतजाज को पीसफुल बनाएं, और इस वक्त तक एहतजाज करें जब तक कि इसको सज़ा ना मिल जाए, और इस एहतजाज को कानूनी तरीक़े से एहतजाज करें। पुरअमन एहतजाज हो, और कानून जिस तरह से हमें एहतजाज करने की इजाज़त देता है उसी तरह का एहतजाज हो। हमारे एहतजाज में कुछ वायलेंस ना हो जिसकी वजह से पुलिस को और आम जनता को तकलीफ़ उठाना पड़े। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ऐसे ही ब्रेकिंग अपडेट के लिए ताजिफ टीवी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।